बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां एक पति ने अपने दो बच्चों के साथ पत्नी को आग के हवाले कर दिया। आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। कटिहार जिले के लाभा गांव से रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हत्यारे ने घरेलू विवाद में इस हिंसक घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। पहले से पति पत्नी पत्नी को मारता था पहले से, और हम लोग ग्रामीण आते थे, गाली गलौज देता था कि किसी के यहाँ आने जाने के लिए बैंड लगा दिया था। आज क्या हुआ है, कैसे मौत हुई? आज सुबह का घटना है। हम तो नहीं थे, हम बाजार में थे, आए तो बोला कि इसको जला के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमन है फुलाइन पर। सुमन, घटना के पीछे, हत्या के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, ये मामला एक कटिहार के लिए बहुत दुखद घटना सामने आई है, जहाँ की दो बेटियों सहित पत्नी को जो है जिंदा जलाने का मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि मामला आखिर क्या है, घरेलू विवाद से संबंधित है या कर्ज में डूबा हुआ है। हालांकि जो इनके पति हैं वो फल का व्यापारी का काम करते हैं, और यह सुबह घटना जो सामने आई है, इससे इस इलाके में पूरा लोग हैरान है कि इस तरह घटना क्यों हुई, क्या कारण हो सकती है। लेकिन घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली और कटिहार अनुमंडल पुलिस अधीक्षक को मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ले रहे हैं और पति जो है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ हो रही है। जी, आसपास के लोगों से बातचीत होगी, आखिर क्या वजह रही है कि एक व्यक्ति ने इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम दे दिया? देखिए, ये इस तरह की घटना जो है क्या सामने आने के बाद जो है स्थानीय जो लोग हैं वो मीडिया से बात करने से हिचक रहे हैं और बता नहीं पा रहे। लेकिन जो हमारी बात हुई है कटिहार DSP अमरकांत झा से, उन्होंने कहा है कि हम पूरे मामले को बारीकी से जांच कर रहे हैं, क्या आखिर मामला कर्ज में डूबा हुआ परिवार है या घरेलू विवाद माना जाता है। तो इस दोनों मामले को हम पहले जांच कर लेते हैं, उसके बाद जो है मीडिया को बताएंगे। लेकिन इस घटना को सामने आने से पूरा कटिहार में मातम पसरा हुआ है। आरोपी व्यक्ति जो है वह क्या कुछ कह रहा है, आखिर उससे पूछताछ हुई होगी, पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि क्यों किस हालत में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए, जो रोहतारा जो पुलिस के थाना अध्यक्ष है उनसे बात हुई है, पुलिस ने आरोपी पति जो है उनको हिरासत में लिया है, जांच कर रहा है, और लेकिन मीडिया को उनसे बात करने नहीं दिया गया है। लेकिन जल्द ही यह मामला का खुलासा हो पाएगा, आखिर किस तरह का घटना हुआ, क्यों हुआ है। जी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कटिहार में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने, एक पति ने अपने पत्नी समेत दो बच्चियों को आग के हवाले कर दिया, और बच्चियों की उम्र महज 3 और 5 साल थी, जिन्हें बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत दी गई, वो भी किसके द्वारा, अपने पिता के हाथों के द्वारा। हालांकि उस आरोपी पति और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है पुलिस की, और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक मातम पसर गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दानापुर के पुरानी पानापुर में आग लगने के कारण 25 घर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज फुलाई पर। पंकज, आग लगने के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी आग लगने की कोई खास वजह अभी तक बताई नहीं गई या पता नहीं चल पाया। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि घर में खाना बनाने के दरमियान ही उस फूस वाले जो झोपड़ी थी उसमें आग पकड़ी, जिससे कि लगातार चारों तरफ बढ़ती चली गई और लगभग 25 घरों को ये आग ने ले लिया। इसमें घरों में खड़े थे एक भैंस जो की बांधे हुए थे, वो भी जलकर खाक हो गए। लेकिन जिस तरह से आग फैल रही थी, हवा तेज चल रही थी, लोगों को ग्रामीण पहले तो शुरुआती किसी के हताहत होने की खबर भी है क्या पंकज? जी, किसी तरह की हताहत की कोई खबर नहीं है, केवल एक मवेशी जो भैंस वहाँ पर बांधी गई थी वो जल के राख हो गई। और कितना नुकसान पहुँचा है इस अगलगी की घटना में?
जी देखा जाए तो अगर जिस तरह से 25 घर के एक एक सामान घर जल गए हैं, हमने जब एक बूढ़ी एक औरत से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा सारा सामान इस घर के अंदर रखा था जो आग ने ले लिया, आग ने जला दिया है। अब खाने के जो भी अनाज वो रखे थे, अनाज तक भी जल गया, उनके लिए खाने के भी पंकज, आग लगने के बाद जब पूरे घर जलकर राख हो जाता है, उसके साथ ही तमाम चीजें भी जलकर राख हो जाती है, इसके बाद मदद चाहिए होती, मदद प्रशासन की ओर से, तो क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद पहुंची है वहां पर? जी देखिए, प्रशासन की ओर तक सिर्फ कल तक तो जिस तरह से चीज थी कि प्रशासन की तरफ से दो दमकल की गाड़ियां आकर आग को बुझाने के प्रयास करते, हालांकि शुरुआती दौर में दमकल की गाड़ियां भी जो थी वो ठीक नहीं थी, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वो दमकल की गाड़ी भी कोई तब आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक किसी तरह की प्रशासन की मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन मदद करने के लिए जो स्थानीय सांसद है रामकृपाल यादव, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरह के जो भी पीड़ित के परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक मदद जरूर दी जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज। तो आपको बता दें दानापुर की खबर है जहां घर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई और आग देखते ही देखते 25 घरों को अपनी चपेट में ले गया, जिससे सब कुछ जल कर राख हो गया है। वहीं दूसरी ओर नालंदा जिले में भी अलग ही घटना सामने आई है जहां बिजली की चिंगारी से खलिहान में आग लग गई। घटना ललुआहड्डी की है। बताया जा रहा है कि खलिहान के पास 11,000 वोल्ट का विद्युत कनेक्शन गया हुआ है, जिसकी चिंगारी से खलिहान में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर किसी तरह काबू पाया। इस घटना में 10 लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। तो दूसरी खबर भी अगलगी की, यह नालंदा जिले के ललुआढ़ी गांव की घटना है जहां बिजली की चिंगारी से करंट की वजह से आग लग गई और आग में फसलों को नुकसान पहुंचा है और काफ़ी बड़ा नुकसान ग्रामीणों को, किसानों को इस अगलगी की घटना में। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग और दमकल गाड़ियों के सहयोग से किसी तरह इस आग पर काबू पाया और एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। हालांकि 10 लाख के फसल के नुकसान की बात सामने आ रही है। हैं कि इस आग कितनी भयावह लगी होगी, सब अनाज जो थे खलिहान में रखे तमाम जल कर खाक हो गए। और दूसरी खबर वीडियो वायरल होने की, जिसकी वजह से एक एएसआई पर गाज गिरी है। छपरा जिले की घटना है जहां कोपा थाना में कार्यरत एएसआई का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बंद कमरे में एएसआई सहित कुछ लोग एक डांसर के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में जो एएसआई ठुमके लगा रहा है उसका नाम सुनील कुमार ठाकुर है, वो भी वर्दी पहने हुए हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक शराब पार्टी का वीडियो है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। यह पार्टी ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर में हुई थी जहाँ पुलिसकर्मियों ने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर और वर्दी में ही शराब का सेवन भी किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ महिला डांसर के साथ ठुमके लगाए बल्कि उसके ऊपर पैसे भी उड़ाए। एएसआई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसे गंभीरता से लिया है और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना में आज से ट्रैफिक पुलिस विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रही है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा, जिसको लेकर राजधानी के अलग अलग चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान गाड़ियों की जांच करेंगे। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी अमरकेश री ने बताया कि जवानों को सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है।